हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आप चेकबुक फैसिलिटी अपने जनधन अकाउंट में शुरू करवा सकते हैं या नहीं। अगर आपका जनधन अकाउंट है और आपको चेकबुक फैसिलिटी शुरू करानी है तो इसके लिए आपको आपका जो अकाउंट है उसे सेविंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, डायरेक्टली आप अपने जनधन अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटी नहीं ले सकते। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। पहले आपका जो अकाउंट होता है जनधन का, उसमें आपको अपने KYC जो है वो अपडेट कराने होते हैं। KYC अपडेट होने के बाद उसमें आपको अपनी जो सिग्नेचर है वो अपलोड करानी होती है, क्योंकि विदाउट अपनी सिग्नेचर आपको चेकबुक इशू नहीं हो सकता। ये दो चीज़ें होने के बाद जो 4 टाइप्स मैंने बताए थे जनधन अकाउंट के, उन चारों में से किस टाइप का आपका अकाउंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट जो है वो जनधन से सेविंग में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है। तो ये 4 टाइप कौन से है, इसे देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। ये लिंक पे यहाँ पर एक वीडियो आएगा, वो वीडियो आप देखिए और समझ लीजिए कि आपका जो जनधन अकाउंट है वो किस टाइप का है। सबसे लास्ट थिंग, अगर आपका जनधन अकाउंट सेविंग में कन्वर्ट होता है तो ही आपको जो है वो चेकबुक फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका जनधन अकाउंट सेविंग में नहीं कन्वर्ट हुआ तो आपको चेकबुक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो आपका करंट जनधन अकाउंट है उसे आप क्लोज करा दीजिए, ठीक है। उसे क्लोज करने के बाद जो आपका CIF है उसी CIF पे आप एक नया सेविंग अकाउंट बनवाइए। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, मैंने यहाँ पे लिंक दी है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने का नया फॉर्म। अगर आपने इस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो नया अकाउंट का फॉर्म है उसे कैसे फिल करना है, ठीक है। और CIF और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए भी यहाँ पर एक और लिंक है। CIF जो होता है वो एक कस्टमर का एक ही बन सकता है, मतलब अगर आप उसे क्लिक कीजिए, वो देख के आपको पता चल जाएगा कि CIF और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आप जो है अपना जनधन का अकाउंट बंद करा दीजिए, नया अकाउंट ओपन कीजिए सेविंग का, और उसमें आप जो है चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे वगैरह, ये सब जितने भी फैसिलिटीज़ है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने नए सेविंग अकाउंट पे। तो आपके लिए अगर चेकबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपना जनधन बंद कराइए और नया सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर आप ये सब फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।